हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेटअप। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। सबसे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें हम जो हेडलाइन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाके डिस्कस कर रहे हैं, बस बोरली एज मतलब हम की अपडेट रहे, हमारा कोई छूटे ना लेक्चर में। तो जो आज 4 से 5 आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दो से तीन जो है कि हमारा इकोनॉमिक को कवर करेगा, और 2-3 जो कि सोशल इशू को करेगा। सबसे बड़ा जो इस समय न्यूज़ में रहा हुआ है, वो इस समय अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये रही करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर के। जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, हम कुछ चीज़ें अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजते हैं, और कुछ चीज़ों को हम अपने कंट्री में जो कि लाते हैं दूसरे कंट्री से। फॉर एग्जांपल के लिए कि इंडिया जो मान लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या मर्चेंटाइल, मर्चेंटाइल का मतलब ये होता है कि वो गुड्स, वो आइटम बनाया गया जो कि हमें बेचने के लिए बनाया गया है, उसको मर्चेंटाइल बोलते हैं। तो उसमें ये अभी गवर्नमेंट का एक डाटा आया, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मॉडर्नाइज रहेगा। तो हम जब पॉइंट पे आएंगे तब उसको डीप में डिस्कस करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसको कवर करेंगे। दूसरा, उसके बाद अगर जो आया हुआ है, जो पान मसाला होता है, गुटखा वगैरह होते हैं, आप देखे होंगे लोग खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टैक्स को लेकर के, तो अभी एक रिपोर्ट के अनुसार एक बात आई है कि आने वाले समय में जो GST आ रहे, तो हो सकता है GST काउंसिल मीटिंग होगी उसमें, तो हो सकता है कि उसमें जो कि जो स्मोकिंग खाने वाले पीने वाले जो मतलब तम्बाकू हैं उन पर हो सकता है कि मतलब GST को इंक्रीज किया जाए। तो इसमें ये भी एक टैक्स अवॉइडेंस जैसे वर्ड को यूज किया गया है, टैक्स इवेजन के बारे में यूज किया गया, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविडेंस ये कैसे होते हैं, ये किस तरह के, और एक विंडफॉल टैक्स है, गवर्नमेंट ने भी उसको कट किया है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे चल करके। फिर इसके बाद पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो नामीबिया से कुछ चीता को जो कि इम्पोर्ट किया गया था इंडिया में रिलोकेट करके, कुनू जो नेशनल पार्क पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में, उसके लिए। तो अभी न्यूज़ में ये आया हुआ है कि जो हम अफ्रीका से 12 जो कि चीता को इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से 8 किए, 4 किए थे, और हम जो कि अभी 12 वहाँ से करेंगे साउथ अफ्रीका से, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कहाँ से पार्क से लाया जा रहा है, कहाँ पे कैसे रिलोकेट किया जा रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी से रायसीना एक डायलॉग होती है, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन जो कि एक ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसको रायसीना डायलॉग बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि ईरान के जो मिनिस्टर हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर, वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो अभी एक वीडियो लीक हुई है वहाँ से कि एक वुमेन है, वो अपने हेयर को कट कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट ये है कि ये वहाँ पे ना जाए इंडिया में। रीजन क्या है, देखिए हुआ क्या था कि जब इंडिया एक वो आया था, रेजोल्यूशन आया हुआ था ईरान के अंगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कि ईरान जो है कि वुमेन राइट्स को जो कि वॉयलेट कर रहा है, उसको ऊपर जो कि कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, तो उसमें इंडिया ने अपने आप को अब्सटेंट कर लिया था। उसकी वजह से जो है कि लोग एजिटेट करने लगे कि इंडिया ने किया, फिर अभी जो कि आ रहे हैं तो इस वजह से भी वो कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था। और ये एक चाबहार पोरबंदर है, ग्वादर पोरबंदर है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे ये कैसे कहाँ पर जो कि बढ़ेगा। तो इससे पहले और आगे हम लेक्चर को बढ़ाएं और हम चलते हैं पहले PDF में डिस्कस करते हैं कि PDF में क्या क्या चीज़ें हैं, हम कैसे उसको जो कि डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारा जो PDF है, यहाँ पे देखिए जो कि ईरान वाला है जो वीडियो लीक हुई है, यहाँ पे देख सकते वीडियो जो कि अपने हेयर काट रही है, ये जो वहाँ के मिनिस्टर है वहाँ इंडिया पे विजिट करने वाले थे, इसको लेकर के है। तो ये रायसीना डायलॉग रहा था, उसको रिसर्च ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ जो है कि ये ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो हमारे लिए पता कि जो रायसीना डायलॉग होता है ये क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है, 2023 का होने वाला था। अभी जो कि त्रिपुरा में इलेक्शन हुआ उसमें समझ सकते हो 80% टर्नआउट हुआ, जो कि वोटिंग परसेंटेज जो कि 80% हुआ, मतलब ये है अगर 100 इंडिविजुअल हैं तो उसमें से 80 लोग समझ लीजिए कि वोटिंग किए, एक काफ़ी अचीवमेंट वाली बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। फिर इसके बाद अभी गवर्नमेंट ने ये किया है ना कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए यहाँ हेडिंग थी गवर्नमेंट इन द 65 एज फॉर रिसीविंग ऑर्गन फ्रॉम द डेड डोनर। अभी क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक्स है, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, एक्स मान लीजिए हैं, और इनकी डेड हो जाती है,
मान लीजिए कि 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, किसी एक्सीडेंट वगैरह, जब वो एक्सीडेंट से अगर उनकी डेथ होती है तो ऐसा तो नहीं उनकी किडनी, लिवर्स, आई, कॉर्निया ये सारी चीज़ें खराब हो गई, वो तो सेफ होंगी ना। तो उसमें क्या होता है, जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें जो काम की चीज़ें होती हैं ना उनके बॉडी के, हों तो वो उसको निकाल लिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो इनका किसी ज़रूरतमंद बंदे को जो है कि वो कि फिर उसको डोनेट कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है उसके बॉडी में। सपोज करिए कि एक व्यक्ति है, उसको उसकी किडनी फेलियर है, ठीक है, और उसको किडनी चाहिए, और एक पहले से हॉस्पिटल में किडनी रखी गई है, ठीक है, किसी डेड बॉडी से पोस्टमार्टम करते, वो इसमें ट्रांसफर। अभी क्या था, अभी से पहले जो 65 साल के ऊपर हुआ करते थे ना, उनको आय नहीं होता था कि आप डेड बॉडी से आप जो कि ऑर्गन लीजिए, ठीक है। तो इसमें कि ये डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, और हम इसके डिटेल में जो है हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो हम इतना उसमें लाइन बाई लाइन नहीं जाएंगे, बस हम डिस्कस। बात ये है ना, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने किया है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन डोनर जो कि प्लांट करने वाला है, ठीक है, और 17% के आसपास जो कि प्लांट करता है। इसके बाद अभी क्या है कि जैसे मल्ले भी हुआ करता था कि आप जिस डो मिसाइल में आप जिस स्टेट के मतलब निवासी हो ना, निवासी उसी स्टेट के ऑर्गन को आपको प्लांट किया जाए। सपोज करिए आप यूपी से हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप तमिलनाडु से जो है कि आप किसी बॉडी का ऑर्गन इंपोर्ट करिए यहाँ पे प्लांट, ऐसा नहीं है सिस्टम, जहाँ पे हो वहाँ पे। लेकिन ये भी सिस्टम ख़त्म कर जाएगा, ठीक है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करके उसमें प्लांट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये मान लीजिए कि अगर 65 साल का है व्यक्ति, उसको किडनी प्रॉब्लम है, उसको अगर प्लांट कर दिया जाए तो वो हो सकता है कि 70 साल तक, 80 साल, 90 साल, 65 साल बहुत मैक्सिमम एज नहीं है दोस्तों, ठीक है, भले रिटायरमेंट हो जाते हैं बट ऐसा नहीं है कि बहुत हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर था एज है, अब इनको जीने की ज़रूरत नहीं है, किडनी फेलियर और ख़त्म, ऐसा नहीं। तो ये जो कि किडनी फेलियर से लेकर के था जो प्लांट किया जा रहा था, किया जा रहा। फिर इसके बाद एलजी देखिए, यहाँ पे जो काफ़ी अजीब सा लगता है ऐसे मतलब पिक्चर जब आते हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, जो कि इन्होंने अपना ये किया है इसको, तो ये रिवर गंगा जो है कि उसको मतलब सफाई वफाई में लगे हुए हैं उसको लेकर, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस डिस्कस कर दिया। अभी क्या है देखिए, यहाँ पे दिया फोडर इन्फ्लेशन राइज, नो लाइकली डीप इन द मिल्क प्राइस। भी क्या हुआ कि जो आप अगर चाय पीते होंगे, ठीक है, टी, तो अभी इससे क्या है, जो पहले 5-10 रुपये मिलती थी अब उनकी 12-12 रुपये कर दिए, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्यों, देखिए चाय तो मिल्क से बनती है ना, मिल्क का प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए जो 26 का आता था ना आधा लीटर टोन, वो 27 का हो गया है, ठीक है, ये इधर बढ़ा तो क्या बढ़ गई, तो मिल्क की प्राइस क्यों बढ़ गई ये भी मैं बताऊंगा। कि जो फोडर होता है, मतलब जो हमारे कैटल होते हैं जो खाते हैं फोडर, तो जो चारा जिसको बोलते हैं चारा, ठीक है, तो इनकी प्राइस बढ़ गई है। अब इनकी प्राइस बढ़ेगी तो मिल्क की भी बढ़ेगी और टी की भी बढ़ेगी। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि क्यों बढ़ रही है ये फोडर की प्राइस, ये है कि जो इनका कल्टीवेशन होता है ना, अब इनकी एरिया जो कि कम हो रही है, ठीक है, तो कम हो रही है। जैसे मान लीजिए पहले 500 एकड़ पे हेक्टेयर पे किया जा रहा था, अब 200 हेक्टेयर पे किया जाता, अब तो ऑटोमेटिक ये नंबर ऑफ द कैटल तो बराबर ही चल रहे हैं ना, इस वजह से बढ़ा। फिर इसके बाद लीगल सिस्टम शुड मूव अवे फ्रॉम द ओल्ड बॉयज क्लब के, तो ये रहा, ये तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप का, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैन देखिए, ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको लेकर के, यहाँ पे एलिफेंट ट्रैप है, टू वुमेन चाइल्ड अडल्ट ड्यूरिंग द रिलीजियस प्रोसेसिंग को लेकर के। फिर उसके बाद देखिए चीता को लेकर के, 12 चीता को किया गया, और इसमें से जो 12 किया जा रहा है ना, 12 किया जा रहा है, तो इसमें से जो 5 हैं, 5 जो फीमेल हैं, और उसके बाद जो 7 हैं वो मेल हैं हमारे, और ये इसमें से जो 3 लाए जा रहे हैं और 9 जो हैं, 3 जो लाए जा रहे हैं वो लाए जा रहे हैं थिनाडो रिजर्व पार्क से जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, और जो 9 लिए जा रहे हैं वो रोई बर्ज से लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये लोकेट किया जाएगा कूनो कूनो नेशनल पार्क,
ठीक है, कोनो नेशनल पार्क में जो कि ये इनको किया जाएगा, ये एमपी में पड़ता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे आर्टिकल्स में। एक सेकंड, थोड़ा सा बफरिंग कर रही है दोस्तों, एक सेकंड, हम देखते हैं प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है प्रोसेस, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है ठीक है, चल रहा है। ओके तो हम देखते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे आर्टिकल्स के लिए। यहाँ पे करेंट अकाउंट डेपिसिट को लेकर के है, करेंट अकाउंट डेपिसिट को लेकर के मतलब ये है, देखिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, मतलब जो हम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, ठीक है, जो ट्रेड करते हैं, जो हम इंटरनेशनल और ट्रेड जो कि ट्रेड करते हैं उसको लेकर के है। इसमें क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, मोस्टली हम दो अकाउंट होते हैं, एक करेंट अकाउंट होता है और दूसरा कैपिटल। तो करेंट अकाउंट होता है इसमें दो तरह के होते हैं सिस्टम, एक विजिबल होता है मतलब जो हम गुड्स की करते हैं, और उसके बाद एक इन इन विजिबल होता है जिसमें हम सर्विस को ट्रेड करते हैं, इधर क्लियर। और जो कैपिटल होता है ना, इसमें जैसे मान लीजिए कि FDI होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, NRI डिपोजिट, इसमें गवर्नमेंट का ये कहना है ये काफ़ी मॉडरेट है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम सीधे चलते हैं अपने इकोनॉमिक पेज पे, क्योंकि उस वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम इंटरनेशनल पे कर देख लेते हैं। नाटो देखिए क्या है, नाटो नेशन है, होती है 48 टैंक जो कि KV इन मिलिट्री सप्लाई पंप, जो है कि यूक्रेन में रशिया यूक्रेन वार चल रहा है उसमें जो कि नाटो कंट्री मेंबर जो कि वो कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये है न्यूक्लियर प्लांट को लेकर के थ्रेड से, जो टर्की का न्यूक्लियर प्लांट है उसको कहते हैं A2U। ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि टर्की का है, ठीक है। तो आपको ये बस पता होना चाहिए टर्की को, न्यूज़ में क्यों है टर्की सीरिया में देखिए वो अर्थक्वेक आया है, तो उसकी वजह से ये हुआ है ना, तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको लेकर के जो कि चिंता जताई जा रही है कि हो सकता है कि वो खतरे में पड़ जाए। फिर उसके बाद देखिए, पाकिस्तान इंक्रीज द फ्यूल प्राइस इन बीट ऑफ अपीच MFF फॉर द अनलॉकिंग लोन शेयर को लेकर के है। फिर इसके बाद चाइना ने जो कि सेंक्शन इम्पोज कर दिए जो दो US कंपनी के ऊपर जो सप्लाई कर रहे थे ताइवान। देखिए जो USA है ना, इसका चाइना और एक चाइना का पार्ट पड़ता है ताइवान, जिसको चाइना कोई डिफेंस इक्विपमेंट जो कि एक्सपोर्ट नहीं करते, बस ताइवान को करता है एक एक्ट के थ्रू जो कि उसको करता है, ठीक है। अब हमारे ये दो और रहेंगे, टैक्स इन्वेजन, अभी क्या हुआ, पान मसाला टैक्स इन्वेजन को लेकर के है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टैक्स इन्वेजन। देखिए यहाँ पे दो वर्ड मैं यूज करूँगा टैक्स को लेकर के, एक टैक्स इवेजन है और टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये है कि हमें पता है कि देना है, ठीक है, बट हम क्या है कुछ चीज़ों को हिडन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इंतज़ार करेंगे, हमें जो है कि अभी 17 फरवरी को जो कि टैक्स पे करना लाजिए था, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कोई स्कीम आ जाए, ठीक है, गवर्नमेंट जो है कि वो करे सबसे ज्यादा, और तो इसको अवॉइड करना होता है। इवेजन का मतलब ये होता है कि आप उसको मतलब कि लूप होल को यूज करके आप उसको करिए। और जो तीसरा है हमारा विंडफॉल टैक्स को लेकर के, सपोज करिए कि एक कंपनी है, मान लीजिए पेटीएम है, आप सभी लोग यूज करते हो पेटीएम, ये क्या कर रही है कि बिजनेस करती है और किसी वजह से इसका प्रॉफिट बिना किसी इनिशिएटिव अलग इनोवेशन से प्रॉफिट इसका इंक्रीज होता है। जो प्रॉफिट इंक्रीज होगी ना, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं, कोई मेहनत तो किए नहीं फिर भी प्रॉफिट कमाए हो, ठीक है, मेहनत करते प्रॉफिट कमाते तो बात बनती है। सपोज करिए जैसे ऑयल कंपनी है, अपने स्टोर करके रखी है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है और ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो उनको तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, तो इस वजह से गवर्नमेंट उसको बैलेंस करने के लिए विंडफॉल टैक्स को जो कि इम्पोज करके लगाती है। तो ये हमारा आज का जो कि डिस्कशन था दोस्तों, सो आज के वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।